1 लाख तक का लोन आपको बहुत जल्दी चाहिए, तो आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिससे अप्लाई करने के लिए ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। मेन आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से बहुत जल्दी इस पर आप लोन ले सकते हो, यानी बहुत जल्दी। ठीक है, आप इस पर 5 से 10 मिनट में आप इसे अप्लाई कर लोगे। देखिए 5 से 10 मिनट भी नहीं लेंगे, मेरे कहने का मतलब 5 से 10 मिनट भी नहीं लेंगे। आपको तरीका आपको सही से बताने वाला हूँ, अगर समझ लेते हैं तो बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट ही आपके लगने वाले हैं अप्लाई करने में। अप्रूवल होने में आपको 2 से 5 मिनट लेंगे। अप्रूवल हो गया तो यानी कि 1 से 24 घंटे के अंदर इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में क्रेडिट हो जाता है। चलिए आपको इस ऐप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप भी चाहते हो इस ऐप के बारे में जानना, इस ऐप के बारे में समझना, तो बता दूँ कि आगे बढ़ने से पहले कि इस वीडियो को सिर्फ मैं जानकारी पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आपको जानकारी देने के लिए मैंने इस ऐप के बारे में सही जानकारी ली है, उसके बाद जाके आपके सामने ये वीडियो मैं लेके आया हूँ, इस ऐप के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सिर्फ जानकारी देता हूँ, हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बता दूं कि आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे बहुत जल्दी 1 लाख तक का लोन आप ले सकते हो। ये जो एप्लीकेशन है RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे। पहले देखते हैं ये जो एप्लीकेशन है, देखते हैं लोन तो RBI NBFC देखते हैं। ठीक है, ये इनको RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, उसके बाद लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन मुझे सही लगा, तब जाके आपके सामने लेके आया हूँ। इससे मैंने लोन भी लिया था। ठीक है, रिपेमेंट टाइम से किया हूँ, फिर जाके मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कि KYC के लिए आपसे क्या मांग रहे हैं ये आपसे। ठीक, आधार कार्ड पैन कार्ड, ये एप्लीकेशन इंस्टेंट आपको लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको कुछ मिनट के अंदर आपके पैसा बैंक में आ जाए, अप्रूवल हो गया तो। ठीक है, 1 से 24 घंटे की मैं बात करता हूँ, 1 से 24 घंटे के अंदर पैसा आपके आ जाता है बैंक में, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। लेकिन अप्लाई करने में आपको 2 से 5 मिनट भी नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिए इस पर अगर आप एक बार KYC कर देते हो तो लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि मान लीजिए इस पर रीपेमेंट कर दोगे, फिर दोबारा से इस पर लोन लेने के लिए आपको KYC करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसका दोस्तों KYC होता है 1 साल के लिए। ठीक है, एक बार KYC आपने कर दिया तो 1 साल के लिए, देखते हैं यहाँ पे दोबारा यहाँ पे KYC मेरा अपडेट करने के लिए कह रही है। ये कह रहे हैं कि ये मेरा 1 साल हो गया कंप्लीट, तो दोबारा KYC करने के लिए कह रहे हैं। अगर KYC कर लोगे तो 1 साल के लिए आप फिर हो जाओगे, 1 साल तक रिपेमेंट करते जाओ, दोबारा आप इस पर मतलब इस पर जो आपका लोन क्लियर करते जाओ, दोबारा आपको लोन मिलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ध्यान रखिए कि यहाँ पे देखते हैं 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन, इस लोन को आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। ध्यान रखिए, मैं तो यही कहता हूँ, हर बार यही कहता हूँ कि लोन अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि लोन आपको उसी रीजन पर लेना चाहिए जब आपको मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा जरूरत हो, तभी आपको लोन लेना चाहिए। चाहे छोटा सा स्मॉल बिजनेस खोलना चाहते हो, चाहे कुछ पैसे की जरूरत हो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, तभी। ठीक है, कई लोग दोस्तों इसलिए आते हैं कि इमरजेंसी हो पैसे की, तो दोस्तों ध्यान रखिए कई लोग शौक में भी ले लेते हैं। ठीक है, तो उनसे बताना चाहता हूँ कि शौक में मत लीजिए लोन, क्योंकि दोस्तों लोन लेके चुकाना भी पड़ता है। अब आपको बताऊंगा दोस्तों इस पर ब्याज कितना लगने वाले हैं, तो ये सब आपको जानकारी पहले जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद किसी एप्लीकेशन जाके आपको लोन अप्लाई करना चाहिए। समझ गए, आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं, मैं आपको सही से जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा काम आपको सही जानकारी देना। आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो, इसलिए मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो SSL लेके आता हूँ, ताकि आप सबको सही जानकारी मिल सके और सही जगह से लोन आप लो, टाइम से पेमेंट करो, आपका सिविल भी बढ़ता रहेगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन इस पर मिल रहा है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का जो नाम है, देखिए इस ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाएगा। इस पर 5,000 से लेकर 1 लाख तक का इंस्टेंट लोन मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब इस पर लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? इस पर दोस्तों ध्यान रखिए कि 2 तरीके से लोन मिलते हैं, 2 तरीके से। ठीक है, इस पे देखिए कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैश लोन, जिससे आप दोस्तों 5,000 से लेकर 1 लाख तक का ले सकते हो, 5,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक का। और दूसरा उसके नीचे लिखा हुआ है जो कि ओनली KYC करके, अगर आप इस पे KYC कर लोगे सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड से, तो आपको 1,000 से लेकर 15,000 तक का लोन आपको मिलेगा। ठीक है, ये किस रीजन पर मिलेगा? जब आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, जब इसको आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तब। जब आप इसको अप्लाई कब नहीं कर पाओगे? अब देखिए कि यहाँ पे जो 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन जो मिल रहा है, पहले सही से समझना, वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आपको सही जानकारी देने वाला हूँ, सही से तसल्ली से समझो, ताकि आपके बहुत काम आने वाला है वीडियो ये। ये 5,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे कह रहे हैं KYC सिर्फ करना है, तो KYC पे ये सिर्फ लोन दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सिर्फ आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे ही लोन दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे। और ये जो एप्लीकेशन है RBI से NBFC रजिस्टर्ड है, तो आप भी इसको रिसर्च कर लेना एक बार, उसके बाद जाके आप इस पर अप्लाई करना, क्योंकि हम आपको सही जानकारी देते हैं, मैं जाके सही से जानकारी लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सही जानकारी लो, उसके बाद जाके अप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है ये जब मिलेगा, जब आप ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आपसे मांग रहे हैं, ये आपसे मांग रहे हैं
आपका पैन कार्ड, क्योंकि केवाईसी आपने कर लिया। दूसरी बात आपसे, मतलब केवाईसी कर लिया, आधार कार्ड पैन कार्ड आपने इस पर केवाईसी कर दिया है, तो अब ये आपसे मांगते हैं बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि ये जो मिल रहा है 5,000 से लेकर 1,00,000 तक का, ये आपके इनकम सोर्स पे मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है ये विदाउट इनकम सोर्स पे मिल रहा है, इसको आप विदाउट इनकम सोर्स पे ले सकते हो, क्योंकि इस पर कम अमाउंट है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो आपको यहाँ पे इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट, मेन आपका बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट इस पर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि हम इस पर जैसे कि आगे बढ़ते हैं, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, अगर ये रिजेक्ट होता तो ये मिल जाएगा, ठीक है, 100% मतलब चांस होता है कि मिल जाता है इमरजेंसी में। तो अब दोस्तों ध्यान कि मैंने कहा था आपसे कि अगर आपको ये सब चीज़ देखना है, ब्याज प्रोसेसिंग फीस देखने के बाद ही आपको लोन लेना चाहिए, कि लोन लेने के बाद चुकाना भी पड़ता है, फिर ब्याज प्रोसेसिंग फीस भी लगता है, ये सब भी, ठीक है। बिना ब्याज के जल्दी कहीं से लोन नहीं मिल पाता, क्योंकि मिल नहीं पाता है, पर्सनल होता है, ठीक है, बिना ब्याज के। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेते हैं हम, ठीक है। आप इस पर आप मोबाइल नंबर साइन अप करके इस पर आ जाएंगे, उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। पहले अच्छे से बताने वाला हूँ, तसल्ली से आप देखना। अब यहाँ पे 1,00,000 तक का हमने लोन अमाउंट यहाँ पे डाल दिया, 1,00,000 रुपये तक का, ठीक है, 1,00,000 रुपये तक का। लेकिन दोस्तों 1,00,000 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा। तो देखिए 6 महीने के लिए और 3 महीने के लिए, ठीक है, आपको लोन मिल रहा है, बस इतने ज़्यादा दिन के नहीं, 6 महीने 3 महीने। तो यहाँ पे इंटर करते ही यहाँ पे कोई अमाउंट शो नहीं हो रहा, तो इस पर 6 महीने के लिए हम क्लिक करते हैं। तो ब्याज यहाँ पे अभी दिखाते हैं पूरा कितना लगने वाला है, सब छोड़िए इसको, आप मत देखिए, 6 महीने के लिए क्लिक किया और यहाँ पे इंटर नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मेन ब्याज यहाँ पे सब चीज़ आ चुका है A to Z। अब इसको भी छोड़िए, इसको भी समझ में नहीं आएगा आपको। अब देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने के लिए यहाँ पे आपको ब्याज, मतलब 6 महीने की किस्त बना सकते हो आप, ठीक है। तो इस पर खास बात ये होता है, RBI जो अप्रूवल होते हैं उस पर खास बात ये होता है कि वो आपको 1 महीने का गैप देता है। जैसे कि मान लीजिए आज आपने लोन लिया, अगले महीने से आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है, नेक्स्ट मतलब अगले महीने से। कई सारे एप्लीकेशन जो RBI से नहीं लाइसेंस मिले होते हैं, वो क्या करते हैं 10 दिन 20 दिन के टाइम लेके आप लोन देते हैं, फिर आपसे पैसा ऐंठते रहते हैं। तो उनसे आपको बच के रहना है, RBI जो NBFC रजिस्टर्ड है उसी से आपको लोन लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हर महीने के 20,136 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट जो महीना है जिसमें 19,171 रुपये आपको पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप जोड़ लेना कि भैया 6 महीना में 1,00,000 का लोन लेते हो तो कितना आपका पेमेंट करना पड़ रहा है 6 महीने के अंदर। अगर आप 6 महीने के अंदर 1,00,000 तक का लोन लेते हो, इतना चुका देते हो, अगर आपको सही लगता है कि हाँ भाई मैं ये ब्याज जो है मेरे लिए सही है, तब जाके यहाँ से आप आगे बढ़ना, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ से देखते हैं ब्याज जो है, देखते हैं आपको 1,00,000 का लोन मिला, उसके बाद उसे देखते हैं 20,136 यानी 20,000 ही जोड़ लो, 1,20,000 करीब यहाँ पे 6 महीने में आपको लगभग यहाँ पे लग जा रहे हैं, देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देख लेना। अब यहाँ पे 3 महीने का एंट्री करते हैं, तो 3 महीने में देख सकते हैं 3 महीने में 3 किस्त आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 6 महीने में आपको 6 किस्त आपको पे करना पड़ेगा। तो पहले ही यहाँ पे ये बता दिया जाता है कि भैया आप अगर आप इस पे लोन लेते हो तो इतना आपको चुकाना पड़ेगा, आप अगर आप इस पे टाइम से पेमेंट कर देते हो, इतना अगर आपको अमाउंट सही लगता है 6 महीने में पेमेंट कर देते हो इतना एक्स्ट्रा, तो आप इस पे अप्लाई करो, वरना यहाँ से अप्लाई मत करो, ठीक है। अगर आपको सही लगता है, मेडिकल इमरजेंसी हो, मेडिकल इमरजेंसी में तो हर कोई चाहता है कि मैं ले लूँ कहीं ना कहीं से, तो दोस्तों यहाँ से अगर आप चाहते हो कि मेडिकल इमरजेंसी भी हो, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ देखना कि भैया चुका सकते हो, क्योंकि चुका लेने के बाद दोस्तों आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो आपका सिविल बहुत डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों बेसिक डिटेल होता है, बेसिक डिटेल। अब मैंने बताया था कि ये आपसे पूछेंगे किस रीजन के लिए, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस रीजन के लिए आप लोन लेना चाहते हो, मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस, हाउस रिपेयर, सैलरी लेट है, सैलरी आने में लेट है, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे पर्सनल इमरजेंसी हो, तो ये सब चीज़ यहाँ पे पूछते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि कहीं से भी लोन लेते हैं तो वो इमरजेंसी, चाहे किसी रीजन के लिए आप लोन लेते हो, तो वो रीजन यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको, रीजन यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। इतना तो आप कर सकते हो यहाँ पे बेसिक। तो यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया कि मेडिकल इमरजेंसी है तो इसीलिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद तो सिंगल हो या मैरिड यहाँ पे आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसको कितने तक पढ़े हो, तो यहाँ से आपको क्लिक करके जो भी जितना पढ़े उतना आगे बढ़ जाना। उसके बाद दोस्तों कि आप कौन से घर में सेल्फ हो, और मतलब जो भी हो, आपके खुद का घर है या रेंट पर रहते हो, ये सब यहाँ से क्लिक कर देना, आगे बढ़ जाना। बाकी हिंदी में भी ये दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं हिंदी में भी, सैलरी हो, सैलरी वाले हो,
बाकी रेगुलर हो, जो भी हो, बेसिक डिटेल आपसे पूछते हैं, कितने दिन काम करते हो, कितने दिन हो गया काम तक करते, कितना साल हो गया किसी कंपनी, जो कंपनी में काम कर रहे हो, तो यहाँ से आगे बढ़ जाना है, कंपनी के नाम डालना है। तो यहाँ से दोस्तों देखते हैं, जो भी हो तो यहाँ पे आप अब पूछ रहे हैं कि भैया आपकी मंथली इनकम कितनी है। मंथली इनकम आपसे मांग रहे हैं 1,000 से लेके 1,000,001,00,000 तक का, जितनी भी आपकी इनकम हो मंथली की वो यहाँ से एंटर कर दो। तो अगर आपको 1,00,000 का लोन चाहिए तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सेप्ट नाउ पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो भी आपकी सैलरी आती है कौन से डेट पे आती है आपके बैंक में। आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट इसीलिए मांगते हैं कि आपके इनकम देख सके वो। यहाँ से 7 तारीख लिख दे रहे हैं हम, जो भी हो बैंक में क्रेडिट होता है चाहे कैश में, जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ जाना। यहाँ से अब देखिए कि यहाँ पे जो मेल आईडी है ये सब आपको इंटर करना है और यहाँ से आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा था मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक मेरा केवाईसी कंप्लीट नहीं हुआ मैं इस पे आगे नहीं बढ़ जाऊँगा। यहाँ से दोस्तों क्या होगा कि बस आपको बैंक स्टेटमेंट है वो आपको अपलोड करना है। अगर सही रहता है तो आपका वेरीफाई हो जाएगा, आपको 1,00,000 तक का लोन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप नहीं रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कैश लोन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, तो यहाँ से हम आगे बैक चलिए, हम बैक आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम करते हैं क्विड और यहाँ से देखते हैं कि अगर आप ये रिजेक्ट हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट नहीं दे चाहते हो, तो यहाँ से आप ले सकते हो। और लेकिन ये रिजेक्ट होने के बाद, ये सोर्स पूरा करने के बाद, आप देखिए कि यहाँ पे कह रहे हैं केवाईसी कंप्लीट करने के लिए, तो मैं यहाँ से केवाईसी कंप्लीट करूँगा तभी जाके। तो यहाँ से केवाईसी पे अपडेट करने के लिए आप देखिए क्या पूछ रहे हैं कि रीएक्टिवेट योर वॉलेट, ये केवाईसी करना जरूरी है। तो यहाँ से केवाईसी के लिए आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देके, सेल्फी देके आप केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। इस तरह तो ट्रू बैलेंस की मदद से घर बैठे इमरजेंसी के लिए बहुत जल्दी आप लोन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको सही लगी होगी। जानकारी अगर सही लगी तो 20 वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे कुछ लोन की जरूरत हो तो वो ले सकते हैं। अगर आपको लोन की जरूरत नहीं हो, ठीक है, तो मत लीजिएगा, ठीक है। हमारा काम आपको सही जानकारी देना, सही सलाह देना, ठीक है। तो आपके लिए मैं अर्निंग की जानकारी देता हूँ कि पार्ट टाइम में घर बैठे, चाहे कहीं से भी आप कहीं वर्क कर रहे हो चाहे जॉब कर रहे हो, उसके साथ में आप पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो। ऐसी एप्लीकेशन मैं बताता हूँ जिससे पार्ट टाइम में भी अर्निंग आप कर सकते हो। तो जाके चैनल विजिट कीजिए, वहाँ अर्निंग की जानकारी दी गई है। पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो, लोन से बढ़िया आप अर्निंग भी कर सकते हो। मेडिकल इमरजेंसी हो फिर जाके आपको अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी सही लगी हुई। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद।